तो आज हम जानेंगे विज्ञान के अर्थ व उत्पत्ति के बारे में। हिंदी व संस्कृत में प्रचलित शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा में साइंस का इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी में इस शब्द को प्रचलन में आए हुए बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ है। मध्ययुगीन अंग्रेजी में इसे सिंज, साइंस, सीएंस इत्यादि नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ होता था ज्ञान। जर्मन और डच भाषाएं भी उसी भाषाई परिवार से नाता रखती हैं जिससे अंग्रेजी रखती है। अंग्रेजी में साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन में प्रचलित शब्द साइंटिया से मानी जाती है, जिसका अर्थ है ज्ञान। क्लासिकी दुनिया में वैज्ञानिक पड़ताल का अर्थ प्राकृतिक चीज़ों के अध्ययन से लगाया जाता था। विज्ञान में इसी की व्याख्या की वजह से इसमें ज्ञान की सभी शाखाओं को सम्मिलित किया जाने लगा। लेकिन धीरे धीरे यह सोच भी बनने लगी कि जो विज्ञान का हिस्सा नहीं है वह बहुत ही निम्न स्तरीय या महत्वहीन चीज़ है। विज्ञान और धर्म के बीच और विवाद की जड़ें यही सोच बनी रही। उल्लेखनीय है कि संस्कृत में साइंस के लिए इस्तेमाल किए गए विज्ञान शब्द का अर्थ विवेक व समझदारी से लगाया जाता है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में आधुनिक विज्ञान के विकास के साथ ही उसके लिए प्राकृतिक दर्शन शास्त्र शब्द का भी प्रयोग किया जाने लगा था। दूसरे शब्दों में कहें तो उस वक्त विज्ञान का मतलब था प्रकृति का दर्शन या प्रकृति की व्यवस्थित ढंग से खोज। आधुनिक विज्ञान के इतिहास में मील का पत्थर माने जाने वाले आइजैक न्यूटन के शोध पत्र का भी शीर्षक था मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। इसमें फिलॉसफी शब्द दो ग्रीक शब्दों फिलोज यानी प्रेम और सोफिया यानी ज्ञान या विवेक से लिया गया है। साइंस की तुलना में नेचुरल फिलॉसफी कहीं अधिक रणपूर्ण है, क्योंकि वैज्ञानिक खोज के मामले में जितनी महत्वपूर्ण ज्ञान की पिपासा है उतना ही महत्वपूर्ण ज्ञान के प्रति अनुराग भी है। 18वीं शताब्दी में लेखक ने किसी भी क्षेत्र के व्यवस्थित अध्ययन के लिए साइंस शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लेकिन 1831 में ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस की स्थापना के बाद यह शब्द धीरे धीरे उस रूप में प्रयुक्त होने लगा जैसे आज होता है। इसके कुछ ही समय बाद विज्ञान के ब्रिटिश दार्शनिक विलियम वेवेल ने महसूस किया कि विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए कोई शब्द नहीं है, और फिर उन्होंने ऐसे लोगों के लिए साइंटिस्ट वैज्ञानिक शब्द पेश किया। विज्ञान का विभिन्न शाखाओं में वर्गीकरण और विशेषज्ञता की जरूरत भी 19वीं शताब्दी में ही समझी गई थी। तो दोस्तों, आपको आज का ये हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।